नमस्कार दोस्तों, कश्मीर मुल्तानी साहब ने क्या खूब लिखा है। तेरी आंखें हैं कि आहुए हुतन की आंखें, तेरी आंखें हैं कि आहुए हुतन की आंखें, मैं वे हैरत थी जवान नए चमन की आंखें। दोस्तों, आंखें नजरों का आईना बनकर दिल में उतरती है, फिर लब खामोश हो तो भी क्या, जज्बात बयां करने के लिए लफ्जों की दरकार क्यों। आंखों ही आंखों में पूरा अफसानाए हाल बयां हो जाए तो बस, और क्या चाहिए। आज की कहानी अपने समय की, या कहिए कि आज तक के सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी और अपनी कहानियों के द्वारा समाज के खोखलेपन और विसंगतियों का चित्रण करने वाले उर्दू साहित्यकार सआदत हसन मंटो के द्वारा लिखी गई है। कहानी का नाम है आंखें। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थीं। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये न समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थी, हरगिज नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज कर सकता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, इन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा था। यूं तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पहम इसरार पर मुझे जाना पड़ता कि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम ही से मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बंबई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वहां कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा था। वहां मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे के मानिंद सर्द और बेहिस था। मैं उन आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इनफिरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते, निहायत वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उनकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो बुरका पहने हुए थी मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो बड़ी थी ना छोटी थी, स्याह थी ना भूरी, नीली थी ना सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़के की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके ना झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है। इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में
मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ है। दरवाजा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से तेज और तुंद आवाज आई, कौन है, दरवाजा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी, दरवाजा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओ तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था, दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो, आ जाओ अंदर। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट को पूछ रही थी, मैंने कहा चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाजा और ज्यादा खोल दिया, मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। चार पांच मरीज थे, डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में सिर्फ हम दो रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें, एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है, हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था कि एक्सरे लो। डॉक्टर सादिक ने उससे कहा कि मशीन की तरफ आए, वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया, फिर उसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आई, उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा, इसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ, छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर, जो काफी बड़ी बड़ी थी, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था, मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा, डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्चे पर लिखा और उसको दे दी, जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगिया में उड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नजरों से देखा था। उसे जहां तक मैं समझता हूँ इस बात का यकीन था कि उस लड़की से मेरा ताल्लुक है, जबकि जैसा आप जानते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था, उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगे के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर तांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरे का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोस्त दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था, लेकिन उसकी आंखें, वो बिल्कुल साबित तो सालिम थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कोई देख लेगा, मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और आप अगली नशिस्त पर बैठ गया।
मैं सादत हसन मंटू हूँ। मंटू, ये मंटू क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है, हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम कुमदाइस हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गईं। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थी, बेहद पुरकशिश थी। मालूम नहीं उनमें क्या चीज थी जो कशिश का बायस थी। मैं इससे पेशतर अर्ज कर चुका हूं कि वो कतई खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खूब रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और उसके बालों की एक लट को, जो उसके माथे पर लटक कर उसकी एक आंख को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और उसके सर पर चस्पा कर दी। उसने बुरा ना माना। मैंने और जसारत की और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई मुजाहमत न की और अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, उस बाजार में। तांगी ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे, इसलिए जोर के धचके लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि उसे अपने जानू पर रख लूं और उसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद उनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीबोगरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा, कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है। अच्छा, यह कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहयर था। पिछली नशस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता। दोस्तों, तो ये थी मंटो की कहानी, आंखें। तरह तरह के रंग बदलने वाली, आंखों ही आंखों में सब कुछ कहने सुनने वाली, ऐसी पुरकशिश खूबसूरत आंखें, नरगिसी कस्तूरी आंखें, बिना किसी रोशनी के भी कितनी रोशन आंखें। इसी के साथ आज विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी ऐसी और बहुत सी खूबसूरत कहानियों के साथ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।